प्यार में बहुत ताकत होती है और प्यार में बड़ा व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है, फिर चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। जब बात दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने की आती है तो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस अपने धर्म को बदलने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये उनका कॉम्प्रोमाइज है या उनका प्यार दिखाने का तरीका। चलिए आज आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ बॉलीवुड हीरोइंस के बारे में जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ये वीडियोस लगातार मिलती रहें। पहले नंबर पर है नरगिस दत्त। भारत में जहां आज भी हिंदू और मुसलमान के बीच शादी होना बहुत मुश्किल होता है, वहीं नरगिस दत्त ने धर्मों की सीमाओं को तोड़कर अपने प्यार को चुना। नरगिस मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती थी। उन्हें उनकी फिल्म मदर इंडिया के को-स्टार सुनील दत्त से प्यार हो गया था, जो एक हिंदू थे। इसके बाद नरगिस ने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया और उन्होंने अपना नाम नरगिस से बदलकर निर्मला दत्त रखवा लिया। ये उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद अपने रिश्ते को दुनिया के सामने रखा था। दूसरे नंबर पर है शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करके की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी अपने नाम के झंडे गाड़े। वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्होंने सबसे पहले बिकनी में शूट करवाया था। जब वो अपने करियर की ऊंचाइयां छू रही थी, उसी समय उन्हें पतौडी के नवाब मंसूर अली खान पतौडी से प्यार हो गया था, जो कि एक मुसलमान थे। उन्होंने इसके बाद इस्लाम कबूल किया और खुद का नाम बेगम आयशा सुल्तान रखवा लिया। हालांकि उनका परिवार इसके खिलाफ था, पर उन्होंने सभी मुश्किलों से लड़ते हुए आखिरकार शादी कर ही ली। तीसरे नंबर पर है अमृता सिंह। प्यार कई बार आपको ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जिन्हें करके आपको कई बार पछताना भी पड़ता है। अमृता एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी जिन्होंने सैफ अली खान के लिए इस्लाम को कबूला। सैफ के माता पिता ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था, पर आखिरकार वो सैफ की पत्नी बन ही गई। पर शादी के 13 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद अमृता ने वापस सिख धर्म को अपनाया या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सैफ आज अपनी नई बीवी करीना कपूर के साथ काफी खुश हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना ने बता दिया है कि वो हिंदू ही रहेंगी और कभी अपना धर्म नहीं बदलेंगी। चौथे नंबर पर है नगमा। साउथ इंडियन एक्ट्रेस नगमा ने पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाई और भोजपुरी फिल्म्स में भी काफी नाम कमाया। नगमा ने किसी इंसान के प्यार के लिए नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट से प्यार हो जाने की वजह से ईसाई धर्म अपना लिया था। नगमा को बाइबल की काफी नॉलेज थी, जिसे देखकर उनके फैंस भी अक्सर चौंक जाते थे। साल 2008 में धर्म बदलने के बाद नगमा ने बताया कि जीसस क्राइस्ट उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और वो हमेशा उनकी बातों को फॉलो करती हैं। पांचवे नंबर पर है आयशा टाकिया आजमी। साल 2009 में आयशा टाकिया ने अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान मुसलमान थे, इसलिए उनकी शादी टिपिकल इस्लामिक निकाह की तरह हुई थी। कई लोगों ने कहा कि हिंदू परिवार में जन्मी आयशा ने फरहान से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया था, जबकि आयशा ने कभी अपने धर्म को लेकर कोई ऐसी बात का खुलासा नहीं किया है। इसलिए ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आयशा ने अपना धर्म बदला या नहीं।